ननावरे लाएंगे लूथर्स के इकलौते मालिक ऋषभ की असली सच्चाई सबके सामने। और ऋषभ है कहाँ, इसकी बड़ी मिस्ट्री का हो गया खुलासा। और आ गया ऋषभ। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता ननावरे MLA और पार्टी में आए हुए सारे मेहमानों को सरप्राइज देने के लिए स्टेज पर स्पीच देने के लिए जाएगी, तभी नताशा के प्रीता को स्टेज पर करंट लगाने का वायर माइक से अलग हो जाएगा, जिस वजह से जब प्रीता सरप्राइज स्पीच देगी तभी प्रीता को कुछ नहीं होगा और नताशा का प्रीता को करंट देने का प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन स्पीच देने के बाद जब प्रीता MLA और ननावरे से मिलेगी, तभी MLA प्रीता से पूछेंगे लूथर्स के इकलौते मालिक महेश लूथर के बड़े बेटे ऋषभ कहाँ है। तब यह सुनकर प्रीता का चेहरा उदास हो जाएगा और प्रीता उदास होकर MLA को कहेंगी कि ऋषभ इस घर में पिछले 2 साल से नहीं आए हैं, वो लंदन चले गए हैं और जब से वो गए हैं तब से हमारी लूथर फैमिली के साथ उन्होंने कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर MLA के बाजू में खड़े हुए ननावरे प्रीता को बड़ा खुलासा करते हुए कहेंगे कि अभी कुछ ही महीने पहले ऋषभ जी मुझे मिले थे। ये सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता ननावरे से पूछेगी कि वो आपको कहाँ मिले थे और किस जगह मिले थे। तब ननावरे खुलासा करते हुए कहेंगे कि ऋषभ मुझे बार में मिला था और उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी और कहेगा कि जैसे कि मैं हमेशा से ऋषभ को जानता आया हूँ तो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में ड्रिंक नहीं की, लेकिन पता नहीं जब वो मुझे कुछ ही महीने पहले मिला था तब उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी और उसने ज्यादा ड्रिंक पी रखी थी और उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा मिला है और ऐसा धोखा अक्सर किसी को प्यार में मिलता है। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे, इसीलिए जब प्रीता ननावरे से पूछेगी कि आपको पता है कि अब ऋषभ कहाँ है, तब ननावरे कहेंगे कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ऋषभ 2 साल पहले लंदन चले गए थे तो वो लंदन कहीं नहीं गए थे, उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो काफी समय से यहीं पर है। यह सब सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन ये सारी बातें और कोई नहीं बल्कि ननावरे प्रीता के पीछे से पृथ्वी सुन लेगा और ऋषभ के बारे में सुनकर पृथ्वी को काफी बड़ा शॉक लगेगा। इसी बड़ी वजह से पृथ्वी किसी को पता ना चले ऐसे अकेले कमरे में शलिन को खींच कर ले जाएगा और शलिन को कहेगा कि तुम तो कह रही थी कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा 2 साल पहले यहाँ से लंदन जा चुका है, लेकिन इस ननावरे को कुछ ही महीने पहले ऋषभ बार में कैसे मिल सकता है और वो यहाँ पर हमारी सिटी में कैसे रह सकता है। तब यह सुनकर शलिन को काफी बड़ा शॉक लगेगा और शलिन कहेगी कि मुझे पता नहीं और तुम्हें किसने कहा कि ऋषभ यहाँ पर है, वो तो पूरा सामान पैक करके 2 साल पहले लंदन के लिए निकल गया था जिस दिन मेरे और तुम्हारे बारे में उसके सामने असली सच्चाई आई थी। यह सुनकर पृथ्वी शलिन को कहेगा कि अब हमें सबसे पहले सिटी के बाहर पूरी जगह ऋषभ को ढूंढना होगा क्योंकि पूरे 2 साल बाद प्रीता वापस लौट कर आ सकती है तो वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ भी आ सकता है और जितनी हम पर भारी प्रीता पड़ी है उससे भी कई गुना भारी वो ऋषभ लूथरा हम पर पड़ सकता है और हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। इसीलिए शलिन सबसे पहले तुम्हारे पति ऋषभ लूथरा का इस पूरे शहर में पता लगाओ और उसे कैसे भी करके जान से मरवा दो, वो प्रीता की तरह इस घर में वापस लौट कर नहीं आना चाहिए। यह सुनकर शलिन ऋषभ का पता लगाने के लिए अपने सभी आदमियों को कह देगी, लेकिन दूसरी ओर प्रीता ऋषभ को ढूंढने के लिए सभी न्यूज़पेपर में खबर छाप देगी। और लेकिन अब शलिन पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए ऋषभ की वापसी हो जानी चाहिए कहना है और ऋषभ को वापस लूथरा हाउस आकर शलिन पृथ्वी से बदला लेना चाहिए कहना है और प्रीता को शलिन पृथ्वी की सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने ले आकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए कहना है। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।